समझ ले ना भूलो मैं हूँ खूब तुमको सता है समझ ले ना। सो हाय गाइज, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक जेके एडिटिंग। तो आगे नए वीडियो के साथ आज हम 4K स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले अलर्ट मोशन ऐप से। तो बने रहेगा इस वीडियो को लास्ट तक। ऑल मटेरियल पासवर्ड होगा तो वीडियो में बता दिया जाएगा, तो आपको स्क्रीन में वो शो कर दिए जाएंगे पासवर्ड सभी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले अलर्ट मोशन ऐप ओपन करना है और यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके साइज सेलेक्ट करनी है 1080x2340। क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे। मीडिया में जो भी अपने यहाँ पर ऑडियो हो उस ऑडियो को हम ऐड कर लेंगे। तो पहले ऑडियो को ऐड कर लेता हूँ। तो यही वो ऑडियो है। इस ऑडियो को ऐड करने के लिए यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और ऑडियो पर क्लिक करके थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे और इसको एक्सट्रैक्ट ऑडियो करके वीडियो को मैं डिलीट कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर ये डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद अपने वीडियो पर आपको जो जहाँ पर भी बीट दिखे ऑडियो में वहीं पर आपको बीट मार्क पहले लगा देना है। तो पहले मैं बीट मार्क लगा देता हूँ, उसके बाद आगे एक प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो मैंने सभी बीट मार्क लगा दी, उसके बाद में फिर से आपको यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करेंगे, मीडिया में जो भी अपना फोटो जो उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी अपनी फोटो जाओ उसको ऐड कर लेंगे। तो मैं इस वाले फोटो को ये फिलहाल यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, इसको फिल कंपोजिशन एरिया कर देंगे। इतना करने के बाद में फिर अपने यहाँ पर जो फोटोज है उसकी ड्यूरेशन को यहाँ तक आप जितना बनाना चाहो उतना बना सकते हो। तो इसको ज़्यादा पार्ट उसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। तो इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको भी ऐड कर लिया। उसके बाद फिर से आपको अपने फोटो पर क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करना, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और क्वेश्चन ब्लर को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला इसको हम सिलेक्ट करके आप जितना चाहो अपने फोटोज पर ब्लर ऐड कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। तो यहाँ पर इतना हो गया। इसके बाद में फिर से आपको यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है। प्लस वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये वाला शेप सेलेक्ट कर लेना। इस शेप सेलेक्ट करने के बाद में इसको फिल स्क्रीन कर देंगे। तो यहाँ पर फिल कंपोजिशन एरिया हो गया। उसके बाद में फिर से हम शेप की ड्यूरेशन को भी लास्ट तक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये ड्यूरेशन भी लास्ट तक हो गई। उसके बाद फिर से शेप पर क्लिक करेंगे, कलर एंड फिल पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें से आपको यहाँ पर इसको जो ब्लैक कलर है उसको हम यहाँ पर ये बीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके ब्लैक कलर को हम बीच में ऐड करेंगे। उसके बाद में फिर से हम इसकी साइज को यहाँ पर बढ़ा लेंगे। तो पहले मैं इसकी साइज को पहले बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पर ये ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर इतना हो गया। उसके बाद में फिर से आपको इस पर कलर्स ऐड करना है। तो यहाँ पर कलर पे क्लिक करेंगे और इसका जो ब्लैक कलर है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक भी सेकंड में ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इसको हम यहाँ पर ऐसे ट्रांसपेरेंट कर देंगे। तो ये अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको इस जो भी ऐड किया है इसके हम बीट मार्क बनाएंगे। तो बीट मार्क बनाने के लिए यहाँ पर इतना पार्ट इसका जो फर्स्ट में इतना पार्ट है इसको हम ट्रिम कर लेंगे और इतना यहाँ पर इसको ट्रिम कर लेंगे। तो ये बीट मार्क बन गया। अब इस बीट मार्क पर क्लिक करना है आपको और यहाँ पर इसको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके कॉपी लेयर कर देना है। कॉपी लेयर बनाने के बाद में फिर से आपको यहाँ पर जो बीट है इस पर हमें यहाँ पर इसको पेस्ट लेयर कर देना है और जहाँ पर बीट दिखे वहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देंगे। तो इसको और यहाँ पर भी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद में फिर से यहाँ पर पेस्ट लेयर कर देते हैं। तो मैं इतना ही बनाऊँ। उसके बाद में फिर से आपको यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और मीडिया पर क्लिक करेंगे। मीडिया में जो इसका एक टेम्पलेट वीडियो है इसको ऐड मैंने किया था उस वीडियो को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पहले उसको ऐड कर लेते हैं। तो इसको भी प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर फिल कंपोजिशन एरिया थ्री लाइन पर क्लिक करके कर देना। उसके बाद में ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी पर क्लिक करेंगे, लाइटन पर क्लिक करेंगे और इसको स्क्रीन कर देंगे। आप चाहो तो इसको लाइटन भी बना सकते हो और स्क्रीन भी रख सकते हो।
तो यहाँ तक ये भी ऐड हो गया। इसके बाद में फिर जो टेम्पलेट ऐड पे इस पर क्लिक करेंगे और इसका ऑडियो को म्यूट कर लेना है। म्यूट करने के बाद में इसका जो ज़्यादा पार्ट है हमें उसको ट्रिम कर लेना है। तो इतना ये ज़्यादा पार्ट है इसको हम ट्रिम कर लेंगे। ट्रिम करने के बाद में हमने जो इसके ऊपर एक बॉर्डर ऐड किया था, उस बॉर्डर को ऐड करने के लिए प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करेंगे और उस बॉर्डर को ऐड कर लेते हैं। और बॉर्डर कैसे एडिटिंग करते हैं तो उसका वीडियो मेरे चैनल पर आया हुआ है, तो वीडियो देखकर आप बना सकते हो। तो यहाँ पर उस बॉर्डर को ऐड कर लेते हैं। तो यही वो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को यहाँ पर फुल स्क्रीन हो गया। उसके बाद में फिर से आपको यहाँ पर शेयर वाला ऑप्शन, यहाँ पर लास्ट वाले में इसको ड्यूरेशन को कर देना है। तो अब हमारा वीडियो बनके रेडी हो, शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके एक्सप्लोर कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।